नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है। चुनावों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन इस बीच रुक करते हैं एक और खबर का। आपको बताएं, बड़ा एक्शन हुआ है। नाबालिग आरोपी के दादा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी निकल करके सामने आया था आरोपी के दादा का। फिलहाल एसके अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की गई थी और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के दादा को गिरफ्तार किया गया है। एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। आप बताएं कि कल पूछताछ की गई थी विशाल अग्रवाल से, जो आरोपी के पिता है। आरोपी के दादा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन निकल करके सामने आया था और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है नाबालिग आरोपी के दादा को गिरफ्तार करके। सर, बड़ी खबर बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच ने ये गिरफ्तारी की है। लगातार इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। पहले जरूर लापरवाही के आरोप लगे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर ड्राइवर को देखिए हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के दादा को गिरफ्तार किया है, जिसका छोटा राजन के साथ कनेक्शन भी सामने आया था। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सबसे पहले आपको बताया था। और एसके अग्रवाल को जहां गिरफ्तार किया गया, वहीं ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि पहले यह कहा गया कि ड्राइवर ही चला रहा था गाड़ी, पिता की तरफ से यह कहा गया, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि पिता के कहने पर चाबी उस नाबालिग को दी गई थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव 2024 की अब बात कर लेते हैं। छठे चरण के लिए मतदान चल रहा है और 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत अब सामने आ गया है। 10.82% वोटिंग हुई है। 9 बजे तक का आंकड़ा भी सामने आ गया है। और सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में 12.35% वोटिंग हुई है, 33%। वहीं बिहार में 9 बजे तक 9.66% वोटिंग हुई है। बिहार में थोड़ा लो डिप लग रहा है यहाँ वोटिंग प्रतिशत। वहीं बात हरियाणा की कर ले तो अब तक 8.31% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 8.89% मतदान हुआ है। श्वेता, लगातार ये सिलसिलेवार तरीके से हम डेटा बता रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, हरियाणा में अगर देखें तो 8.31% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में 8.89% वोटिंग हुई है। झारखंड में सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 11 के करीब नजर आता है। ओडिशा में 9 बजे तक 7.43% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अगर देखें इन 3 घंटों में 16.0 जो वोटिंग है वो देखने को मिल रही है। तो इस बीच तो ये देखिए, इस वक्त आपको वोटिंग परसेंटेज तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी बड़े आरोप लगा रही है सलोनी तो, लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी की जो अध्यक्ष है उन्होंने भी सीधे सीधे बड़े आरोप लगा दिए। कह दिया है कि जो 2 आरोप लगाए जा रहे हैं ये वीरेंद्र सचदेव ने बड़ी बात कह दी। वीरेंद्र सचदेव का ये कहना है कि 2 आरोपी जो है, 2 भ्रष्टाचारी जो है, उन्होंने हाथ मिला लिया है। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है, दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी जीत का भी दावा कर रही है, हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तरफ आरोप तो लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, वहीं जीत का भी भरोसा दिखाया है। हमारी सहयोगी गायत्री ने खास बातचीत की, सुनवाते आपको क्या कुछ कहा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दक्षिण भारत की ड्रेस में है, और दिखाइए आप जरा वो निशान, क्योंकि सभी लोगों को इंस्पिरेशन भी मिले। मुझे ये बताइए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है, 7 सीटों पर हैट्रिक की, कितना भरोसा इस बार? दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व को तीसरी बार पूरा हिंदुस्तान सलामी देने जा रहा है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलेगा। इंडिया अलायंस है आपके सामने, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जेल में, फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे, मतलब आपस में एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, तो कोई चुनौती नहीं? ये स्वार्थों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, और दिल्ली की जनता, देश की राजधानी की जनता सब समझती है कि इन भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाना है, विकास के साथ जाना है, विकसित भारत के लिए जाना है, इसलिए मोदी जी के साथ जाना है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कांग्रेस पर, फिर कांग्रेस ने लगाया शराब घोटाले का आरोप, अब दोनों ने हाथ मिला लिया है। मैंने कहा ना कि दोनों चोर एक दूसरे का हाथ पकड़ के नैया पार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
दिल्ली की जनता और देश की जनता मोदी जी को वोट देगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अच्छा, महिला वोटर्स भी लगातार हम देख रहे हैं, स्वाति मालीवाल केस का कोई असर आप देखते हैं? देखिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए हर दिल्ली का व्यक्ति तो बेहद जागरूक है और देश की जनता भी जानती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनके साथ अभद्रता की गई, महिलाओं में रोष है और महिलाएं उसका जवाब देंगी। अरविंद केजरीवाल खामोश है? अरविंद केजरीवाल अब खामोश ही रहेंगे। लेकिन उनकी चुप्पी के मायने आपको क्या लगते हैं? डरा हुआ आदमी है, अपराध से घिरा हुआ आदमी है, वो जानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया और एक तारीख के बाद उनको फिर वहीं जाना है जहां से वो अंतरिम जमानत लेकर आए हैं, इसलिए उनको अपना हश्र पता है। लेकिन वो तो फिर जेल से सरकार चलाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? जेल से सरकार, अब ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन प्रशासनिक कुछ चीजें हैं जिनका मुझे लगता है आने वाला समय खुद जवाब देगा। तो इस बार मोदी की गारंटी और हैट्रिक? मोदी की गारंटी और दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय। तो वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे जो जीत का भरोसा जाहिर कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और एलजी पर भी आरोप लगाती है अब आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। कहना है आम आदमी पार्टी का आदित्य ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रभावी इलाके हैं वहां पर स्लो वोटिंग कराने की कोशिश है। एलजी पर ये आरोप लगाए हैं कि दिल्ली में धीमी वोटिंग करवाना चाहते हैं एलजी और इसके लिए बाकायदा उन्होंने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है। ये बड़े आरोप आतिशी ने लगाए। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, ये कहा गया है कि कल एलजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। आतिशी आरोप लगा रही है। एलजी ने बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए थे ऐसा है तो निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन है। क्या है, क्या रहे हैं आतिशी, क्या कह रही है इस पर बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है वो सुनवाते हैं।